हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बनाएंगे आलू पालक बैंगन की सब्जी। बहुत ही ज़्यादा यमी और स्वादिष्ट बनती है, तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है अभी तक। तो सबसे पहले आपको ऑयल डालना है, यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, अच्छी तरह से उसे सॉटे कर लेना है। उसके बाद ग्रीन चिलीज, मिर्चा, मतलब जितना आपको तीखा चाहिए उस हिसाब से डालिए, थोड़ा सा मेथी के दाने, थोड़ा सा हल्दी, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और जब ये लाल हो जाए तब इसमें हम डालेंगे मिठौरी, मतलब कि कोहड़ौरी। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाली है मेरे चैनल पे, आपने विजिट नहीं किया तो एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें आलू। इसको आलू को हमने कट कर लिया है, वॉश कर लिया है पानी से, और उसके बाद हमें इसमें अच्छी तरह से भुनना है, कम से कम 5 से 10 मिनट। उसके बाद कटे हुए बैंगन को डालना है, बैगन को भी अच्छे से काट के धो लेना है, और इसे हमने धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये थोड़ा अच्छा फ्राई हो जाए, थोड़ा इसमें खुशबू आने लग जाए, तब इसमें हल्का सा हल्दी डालेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून नमक डालेंगे, और इसके बाद इसे हम चलाते हुए ही कम से कम 80% पका लेंगे, मतलब कि इसे हमें पका लेना है। और थोड़ा सा 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही पकाना है चलाते हुए। जब पानी आने लग जाए ऊपर तो इसमें हम डालना है टमाटर और इसे ढक देना है। जब ये भाजी हमारी 70 to 80% हो जाए तब हमें इसमें डालना है पालक। तो देखिए अभी लगभग 80% भाजी हो चुकी है, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये पूरी हो चुकी है भाजी, लाइक आलू बैंगन सब पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी भाजी हमारी, क्या है, पालक और सोया। तो इसे हमें लास्ट में ही डालना है, क्योंकि हरी भाजी को हम ज़्यादा पका देंगे तो उसके सारे विटामिन प्रोटीन्स जो भी होते हैं सब चले जाते हैं। तो इसे हमें लास्ट में 5 से 10 मिनट ही पकाना होता है। सो डालने के बाद 5 मिनट ढक दिया, उसके बाद हमने ओपन करके देखा है तो देखिए ये लगभग पानी छोड़ चुकी है पालक और हो चुकी है ये। तो अब हमें तेज़ आँच करके इसे कम से कम 5 मिनट तक इसके पानी को सोख लेना है, मतलब कि इसका पानी एकदम सूख जाए 5 मिनट तक, तब हमारी भाजी रेडी है। हमने इसे प्लेटिंग कर ली है। आप इसके साथ चपाती खाइए, राइस खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी ऐसी वीडियो और भी देखने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।